وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

अदहर आयत नंबर ऐसा अव्वल आज का मौजूद क्या हम सिर्फ दुनिया के दीवाने हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजश्ता सबक का इरादा होगा और सुबह हो शाम अपने रब के नाम का जिक्र किया करें और रात की कुछ घड़िया उसके हजूर सजदारेजी किया करें और रात के बकिया तवील हिस्से में उसकी तस्बी किया करें सामने क़राम सूर्य दहरा नंबर सताइस लफ्जी तर्जुमा इन नहाव लाए जो है बेशक ये लोग जो हैं ये तो जल्दी हासिल होने वाली चीज़ से मोहब्बत करते हैं वरुना बराहम यौमन सकीला और आगे जो भारी दिन आने वाला है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं देखें इंसान की गुमराही की जो वाहिद वजह है वो हब्ब दुनिया है हब्ब दुनिया का मतलब क्या है उब दुनिया का मतलब ये है कि जो चीज़ नज़र आ रही है उससे मोहब्बत करो जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसको छोड़ दो ये यानी इसका मफहम यह है कि दुनिया आपको नज़र आ रही है तो उससे आपने दिल लगा लिया और ये गलतफहमी होती है यानी इसकी शुरुआत वहाँ से होती हैं जब आप दुनिया को असल समझ लेते हैं गुमराही की बुनियाद एक गलतफहमी है और वो गलतफहमी यह है कि आप दुनिया को असल समझ लेते हैं कि ये असल है और इस गलत फहमी में लोग यानी इंसान की जो तारीख़ है वो शुरू से यानी जाहिर की मोहब्बत के बारे में बड़ी वाज़ है जाहिर क्या मैं मेरी हस्ती मेरा जो अपना वजूद है इंसान अपने मुतालिक सोचता है ना उसको हम हब्ब जा कहते हैं फिर हब्ब माल अमाल और औलाद हब्ब माल की हब्ब माल भी इसकी एक बड़ी वजह है कि आप माल में कुछ ताकत देखते हैं फिर उसके हसूल की कोशिश करते हैं कि मुझे माल हासिल हो जाए तो इसी तरह फिर आपका जो ख़ानदानी निज़ाम है औलाद इंसान यानी जाहिर है कि ये तो यानी ख़ानदान ख़ानदान से जुड़ा हुआ है इसका जोड़ा जोड़ा अल्लाह ताला ने जो वखलक नाकुम अजवाजा मैंने तुम्हारे जोड़े जोड़े, जोड़े बनाए तो वो जोड़ा जब बनता है तो फिर इंसान चूँकि ज़ाहिर पे नज़र रखता है फिर ये अपने आने वाले जो बुढ़ापा है उसको भी मद्देनज़र नज़र के देख के ये चाहता है कि इसका कोई नाम लेवा हो और इसका कोई नाम लेने वाला हो इसकी एक नस्ल बाकी रहे फिर इसके बुढ़ापे में इसके काम आए यानी औलाद और ख़ास तौर पे नरीना औलाद को लोग पसंद करते हैं इसलिए कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और हमारा नाम चलेगा इनसे औलाद नरीना से बहरहाल ये सब देखें ये आज का मजमून जो है ये बड़ा गहरा है और इसकी गहराई की पहुंच हम तक है मुझ तक है और आप तक है हम में से या तो आज़ला को चाहने वाले हैं या आखरत को चाहने वाले हैं और ये आज़ला का मतलब ये है कि आप एक गलत फ़हमी का शिकार हो गए आपको दुनिया यानी दुनिया असल लगने लगी है आप इस गलत फहमी का शिकार हो गए हालांकि आज़ला जो है सामने क्राम खैर उस पर इंशाला अल्लाह ने चाहा तो बात करेंगे मैं आपको वो दूसरी बात कह रहा था कि हम में से जरूर हम या तो ये हुब आज़ला के शिकार हैं या नहीं दो ही बातें या तो हम हब्ब आजला यानी जल्दी के चाहने वाले हैं जल्दी को जल्दी के नतज सामने रख कर हम जिंदगी गुजार रहे या आखिरत के नतज को सामने रख के हम जिंदगी गुजार रहे दूसरी जगह यही तकरीबन अल्फाज के साथ है थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इन नाविला युब्बन आजला और व तज़ार आखिर और कमाकाल ऐसी आए थे दूसरी जगह अभी हम पढ़ चुके हैं कि इन हावलाए कल्ला बल तो हिब्बू नल आजलता व तज़रुनल आखिर ऐसा है अल्फाज कि तुम तो आजला को चाहते हो और आखिरत को छोड़ देते हो देखें आजला क्या मैं जो नए सुनने वाले हैं उनको कह देता हूँ कि आजला मतलब जल्दी ताजील से है जल्दी तुम जल्दी के तलबगार हो जल्दी हासिल हो जाए इंसान नतज फ़ौर हासिल करना चाहता है और फौरी नतज के लिए ये कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है अगर इसको फ़ौरी नतज हासिल हो जाए यानी होते नज़र आते हैं तो ये बाद में हासिल होने वाले नतज ख अच्छे हों या बुरे उसको नज़रअंदाज कर देता है मैं दोबारा ये जुमला कहता हूँ और बड़ी आस्तगी से कहना चाहता हूँ कि इंसान को अगर अपने मामलात के नतज जल्दी हासिल होते नज़र आते हैं तो ये जो बाद में हासिल होने वाले नतज हैं ख्वा वो अच्छे हों खो बुरे हों उसको नज़रअंदाज़ कर देता है ये इंसान की ये नहीं इंसानी जो नफ्स है इसमें एक अखलाक रज़ीला है कि ये जल्दी हासिल होने वाले नतज को तरजीह दे देता है और बाद में हासिल होने वाले वाले नतज को नज़रअंदाज कर देता है लेकिन ये बात जो है साविनिकराम चूंकि आज जो है आपको मैंने बताया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये हमारा आज है और जो कल है हमारा वो क्या है मौत के बाद हमारा कल शुरू हो जाएगा हकीकी और लेकिन वो हकीकी है ये आरजी है ये आरजी है और ख़त्म होने वाली चीज़ है दुनिया आरजी और ख़त्म होने वाली चीज़ है जबकि आखिरत दायमी है तो इंसान ये चाहता है कि मुझे बस जल्दी नतीजा मिल जाए आप देखें ना जोड़ा शादी करता है मियाँ बीवी तो उनको जल्दी होती है कि अब कोई नतीजा बरामद हो अच्छा फिर ये यानी दुनिया को अगर कोई शख्स अपना समझ ले तो फिर ये दुनिया में सरमाकारी नतज दुनिया में चाहता है अगर कोई दुनिया की दुनिया की आ, के बारे में ए, इस ग़लत फहमी का शिकार हो जाए कि दुनिया ही असल है तो फिर वो बातें को नजरअंदाज करके दुनिया ही के लिए जद्दोजहद करता रहता है और ये आ, यानी गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह है गुमराह इस हालात वाकयात में यानी इंसान के इस दुनिया पर और आजिला पर यकीन की वजह से इसको आखिरत का नुकसान हासिल हो जाता है यानी आखिरत में ये फेल हो जाता है बात यह है सामने कहा मैं एक मख्तसर बात कहने लगाऊँ वो ये है कि दुनिया नतीजे की जगह नहीं है दुनिया अमल की जगह है दुनिया दारुल अमल है आज मेहनत करनी है हमने आज नतीजे की आप तलब ना करें नतीजा जो है वो यानी हकीकी नतीजा और बड़ा नतीजे का दिन तो वो यो में आखिरत है लेकिन मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ वो ये है कि आजला अगर आप यानी सही अंदाज़ से देखें तो दुनिया में आजला जो है वो रूहानी दुनिया है क्योंकि जजाए अमाल का आगाज़ आपके अमल के साथ शुरू हो जाता है हदीस का वफहूम है ना कि तोन अल्कलूब ऊदन कल हसीद के फितने इंसान पर इंसानी कलब पर फितने पैदर पै नाजिल होते रहते हैं फयल़लब उनके रोहा फ़ायल्ब उशर बुहा नक़त नक़दत सौदा जिस कल्ब ने वो फितना कबूल कर लिया तो उसके दिल पर एक सियाह दाग हो जाता है और फिर वो दागदार होता चला जाता है जो जो ये फितने कबूल करता रहता है तो दिल इसका काला सियाह होता चला जाता है यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि इसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है बिल्कुल स्याह के पानी भी उस पर असर एक घड़े की माने जिस पे आ, पानी भी असर नहीं करता बह जाता है मिट्टी का एक गड़ा और उस पर इतना कार्बन जम जाए इतनी स्याही जम जाए कि उस पर पानी का भी असर न हो वरना गड़े पे आप पानी डालें वो तो जस् कर लेगा लेकिन वो हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई है लेकिन कलबे उनके रोहा निकत नुकतन बैजा जो उस फितने से इनकार कर देता है यानी वो वसवसए शैतानी पर अमल करने से जो दिल इनकार कर देता है उसके दिल पर सफ़ेद दाग हो जाता है और जो जो वो इनकार करता रहता है उसके दिल पर सफ़ेद दाग पड़ते रहते हैं यहाँ तक कि दिल बुर्राख हो जाता है अब ये दिल का स्याह होना और दिल का बुर्राख होना ये तो यहाँ दुनिया का मामला है सामने रहा आज़ला तो फ़ौरन ज़ज़ाय अमाल तो शुरू है अमल के साथ ही ये हमारी एक फ़हमी है कि दुनिया ये जल्दी है हालांकि जल्दी जो है वो सबसे पहले यानी आमाल की जो सबसे पहले असरात हैं वो आपके दिल पे शुरू होना वारिद होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसका हम शिकार हैं एक तो आज़ला हम समय, यानी जो हकीकी नतज हैं उसको हमने रोज़ क़यामत तक यानी समझ लिया है कि ये कयामत के बाद कुछ इसके असरात होंगे अच्छे या बुरे नहीं वो अमल के ये आखिरत जो है वो शायर कहता है ना कि तुम्हारे वो पूरा शेर तो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसका दूसरा मिसरा है कि ये ज़िंदगी ख़ुद भी अपने गुनाहों की सज़ा देती है असल में तो अगर क़ुरान का आप मतलब करें तो दिल पे जंग चढ़ जाता है कल्ला बर्राना अला माकानु माकानू या ख़तम अल्लाह अला कलूबहम या आ... खत्म अल्लाह अला क्लू के अल्फाज हैं कल्ला बर्राना अला क्लू ऐसे अल्फाज हैं और भी हैं लेकिन यह है कि चलें ये अल्लाह ने उनके दिल पर यानी दिल पर यहाँ मोहर लग जाती है दिल पर यहाँ जंग चढ़ जाता है ये तो यहाँ दुनिया का मामला है और एक बात यानी मैं आपको कह रहा हूँ और नहायताश्तगी से कह रहा हूँ कि देखें जो आपके फैसले हैं या आपके जो दुनिया में जिंदगी गुजारने का अंदाज है उसकी अच्छी या बुरी नीयत के साथ ही उसकी जो असरात हैं आपके दिल पर पड़ना शुरू हो जाती हैं मिसाल के तौर पे एक बुरे काम का जो भी बुरा काम है आपने बुरे काम का एक फैसला कर लिया तो अब यह है कि यानी आजम कर लिया उसका तो फिर तो उसके नतज आपके दिल पे शुरू हो जाते हैं हुजूर सलम फरमाते हैं कि आंखें जना करती हैं और आजा उसकी तस्दीक करते हैं आपने आंखों में फैसला कर लिया मिसाल के तौर पे, जना अभी किया नहीं है लेकिन आंखों में फैसला कर लिया या कोई भी बुराई करने का कोई भी बुराई करने का आपने वो कर लिया तो वो फिर बाकी तस्दीक हो जाती है अमल से तस्दीक हो जाती है आपके इरादे की लेकिन अगर आपने नेकी का इरादा कर लिया अल्लाह से जुड़ने का इरादा कर लिया और रब के नाम को याद किया वस कुरिस मरबिक रब के नाम को याद किया तो इसका आगाज शुरू हो जाता है यह आजिला है ये जल्दी है आपको इसके जल्दी नतज मिलेंगे और अल्लाह ताला ने तो वाज तौर पे कहा है कि अगर तुम अल्लाह को याद करोगे तो तुम्हारा दिल मुतम हो जाएगा क्योंकि अल्लाह की याद से ही दिलों को चैन पड़ता है तो ये दिल को चैन हासिल होना खुशी का मसरत इन इनबिसात का हासिल होना ये तो आ, फौरन इसका अमल है यानी रद्द अमल है तो अमल का रद्द अमल उसके फैसले के साथ ही शुरू हो जाता है आपने फैसला कर लिया सुबह अल्लाह अच्छे अच्छे काम करने का फैसला कर लिया रुजू अल्लाह का फैसला कर लिया अल्लाह ताला खुश हो गया आपने इस्तार कर लिया अल्लाह ताला ने आपकी तोबा कबूल कर ली। तो एक तो यह गलत फहमी है कि हम दुनिया और आखिरत को गलत समझे हैं असल में आखिरत की शुरुआत यहाँ शुरू हो जाती हैं शुरुआत यहां से हो जाती है आज़ला, ताजील जल्दी आप चाहते हैं तो आपको अमल करने से पहले उसके असरात का सामना शुरू हो जाता है ये बात भी आप याद रखें और देखें फिर बात एक दूसरी तरीके से भी आप सोचें ना कि अगर आपने दुनिया को तरजीह दे दी तो आपको दुनिया में उसकी आफत का सामना करना पड़ेगा अल्लाह की याद से अगर आपने फैसला कर लिया कि उससे एराज करके अल्लाह को भुला के मैंने ज़िंदगी गुजारनी है या अपने आप को अपनी हकीकत को भुला के ज़िंदगी गुजारनी है तो अब यह है कि अल्लाह ताला का वो कानून जो है कि मन आरद आन जिक्री फ इन न लहू माई शतन ध्वन का जिसने भी मेरी याद से एराज किया उसकी जिंदगी मैं इस पर तंग कर दूंगा फ इन न लहू माई शतन ध्वन का तो जनाब यहां से शुरुआत हो जाती है बेहतर यह है देखें एक अच्छी जिंदगी आपकी मुंतजिर है अगर आप ने इस्तवार कर लिया तोबा कर ली और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हसन जो नेकोकार हैं तुम से उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है वला अजर आखिरत खैर और आखिरत का जर तो बहुत बेहतर है या दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मन आमिलाकर फलन यू हयातन तयबा जिसने भी तुम में से अच्छा अमल किया तो उसको मैं यानी मन आमिल तुम में से जो मर्द हो या औरत लेकिन अच्छा काम जिसने किया तो मैं उसको एक बहुत अच्छी जिंदगी जिंदगीय फरमाऊंगा या फलन यू उसको एक जिंदा कर दूंगा एक बहुत अच्छी जिंदगी से तो जनाब यहाँ से आपकी आजला शुरू हो जाती है आप गल फहमी का शिकार ना हो मादियत अल्लाह को भुला के अगर आपने ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है ये तो दुनिया और आखिरत का दोनों में आपका नुकसान है और क़ुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया है किरत दुनिया वाल आखिर इसका दुनिया भी नुकसान और आखिरत के भी नुकसान तो एक तो ये यानी एक गलत फहमी है हमारी कि हम समझते हैं कि अल्लाह की बंदगी को अगर हम यहाँ कबूल कर लेंगे या मुकम्मल तौर पे अपना सर झुका देंगे अल्लाह के सामने तो इसमें हमारी दुनिया का नुकसान हो जाएगा क्यों नुकसान होगा भाई يفعل अल्लाह بعذابكم तुम شكرتم छकर तुम الله شاكرا वक़ानल्लामा क्या हुआ अल्लाह ताला को कि तुम्हें अजाब दे कि तुम्हें तकलीफ में मुफ्त इन शकर तुम व आमन तुम अगर तुम उसकी नहमतों का शुक्रिया अदा करो और उस पर ईमान आओ अल्लाह ताला तो अजाब नहीं देता और ये जो तकालीफ आती हैं जानी माली ये तो इस ग्रास के गले का हार है ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है जान दी दी हुई उसी की थी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ तो बहरहाल इन राम युहिबुन था अच्छा फिर ये ये यानी मैंने इस इन आयत में मजमून ये है कि जो शख्स दुनिया के बारे में गुमराह हो गया और हब्ब दुनिया का शिकार हो गया तो फिर ये सीधे रास्ते से हट जाएगा सीधे रास्ते पर ये नहीं चलेगा फिर क्यों कि यह गलत फहमी का शिकार हो गया आज भी अगर आप देखें यानी इसमें कोई इतने लंबे चौड़े दलाइल की भी ज़रूरत नहीं है आज हम दीन पर मुकम्मल अमल पैरा होने को रसूल सल्लाम के उसव हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को अल्लाह को अपनी मंजिल बना के ज़िंदगी गुजारने को अल्लाह के रास्ते पर सही तरीके से चलने को अपनी दुनिया का नुकसान समझते हैं मुझे बताइए आप ऐसा है कि नहीं है आप कहते हैं हम मेरी आज़ादी तर्क हो जाए यानी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी इंसान ये कहता है क्योंकि इंसान तो चाहता है कि मैं बुराइयां करता रहूँ बल यीदुलसान लियफ जो अमामा अभी हम वो ये मज़मून पढ़ चुके हैं ना इंसान ये चाहता है कि मैं आगे भी नाफरमानियाँ करता रहूँ यह फरमा बरदारी पर राजी नहीं है अल्लाह तला की ये नाफरमानी पर राजी होता है कहता है मैं बस आजाद जिंदगी गुजारू फिर अल्लाह ताला ने पूछा भी ऐसे अयाह अया सबल इंसान युद्ध रखा सुधा क्या इंसान ये गुमान करता है कि इसको मैं आजाद छोड़ दूंगा नहीं इसकी आजादी में इसका नुकसान है ये एक बात नोट कर लें मैंने नहाय आजतगी से आपसे बात कर रहा हूँ इंसान जो आजादी समझता है इसमें इसका बहुत बड़ा खसारा है जो इसको कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की इत कबूल कर लो अल्लाह के सामने सर झुका दो तो इसमें इसकी आजादी है दर हकीकत ये कुरान मतलब इससे बड़ा पड़ा है अल्लाह ताला ने एक जगह मिसाल दी है कि एक शख्स जो कि बहुत सों का गुलाम है या एक शख्स जिसका आका एक है कौन इन दोनों में से बेहतर है ये दुनियादार लोग जो हैं यानी जो अल्लाह को नज़रअंदाज करके जिंद इसके तो आका बहुत हैं इसको बहुत जगह सर झुकाना पड़ता है आप देखें यसर यसर आप कहते हैं ना फिर बहुत सों को यसर कहते हैं कौली तौर पर भी और अमली तौर पर भी और हमारा तो सर झुका हुआ है जाहिर के सामने दुनिया के सामने पैसे के सामने और बहुत से यानी ऐसी तफसीलात मौजूद हैं किसी ने अपनी औरत के सामने सर झुकाया हुआ है किसी औरत ने अपने मियाँ के सामने सर झुकाया हुआ है या किसी ने हालात के सामने सर झुका दिया है बस बुराई करते चले जा रहे हैं नहीं अल्लाह के सामने सर झुकाना है वो शायर कहता है ना कि ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को निजात तो एक सजदा हमने करना है और वो अल्लाह के सामने करना है और फिर आ, इस सजदे में आपकी आज़ादी है दर हकीकत इस गुलामी में आपकी आज़ादी है अल्लाह और अल्लाह की गुलामी क्या कहना क्या कहना इस आज़ादी का क्या कहना रूह खुशबाश होता जा हो जाती है आजाद हो जाती है मखलूक की ग़ुलामी से और अल्लाह के सामने सर झुकाने से रूह आज़ाद हो जाती है और फिर जो है इसका जो आज़ादी है यानी थोड़ा सा मैं आपको तवज्जो दिलाऊं ये जब जन्नत में जाएगी ये रूह तो फिर क्या है वलकुम फ़ीहा मा माँ अन नहीं वलकुम फ़ीहा मा आ, तशत हिल अनफसो व तलजुल आयुनो लेकिन जो मैं आयत आपको सुना देना चाह रहा हूँ वो ये है उसका मफहूम यह है कि जो तुम चाहोगे वह होगा जो मंगवाओगे वकुम फी हामात जो मंगवाओगे वह होगा अब वहाँ की आज़ादी यानी बस वो आप थोड़ा सा उस आज़ादी का तस्वुर करें ना बस इंसान खुशबाश और जो चाहेगा वह होगा जो मंगवाएगा वो होगा अब आप यहां जो चाहते हैं करते हैं वो तो कभी नहीं पूरी हो सकती ये दुनिया में तो गुलाम मतलब ये दुनिया तो पाबंदी है यानी शैतान के सामने अगर किसी का सर झुका दिया है तो ये तो अब बस मजबूर महाज है होगा वही जो अल्लाह ताला चाहता है लेकिन इसने सर गैर के आगे झुका दिया तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा तो बहरहाल देखें सामिकर ये दुनिया को तरजीह दे देना योम आखिरत पर यह बहुत बड़ी इंसान के नुकसान का बाइस बनता है इन नहावलाए ने देखें सूर्य कयामा मैं आपको ज़रा मुख्तसर बात कह रूँ टाइम कम है वो ये है कि सूर शूर दहर के आप मजामीन को देखें अल्लाह ताला ने फरमाया ये एक इम्तिहान है अब अगर इसमें तुमने इम्तिहान नहीं देना चाहते तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया को पसंद करने लगे हो और जो हकीकत है उसको तुमने नजरअंदाज कर दिया है जो भारी दिन आने वाला है उसको तुमने नज़रअंदाज कर दिया है लेकिन इस सोच में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान अब इम्तिहान में कोई मज़ों का तस्वर करने लगे कि मैं तो ये ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ ये तो नुकसान वाली बात हो गई ये तो नासमझी वाली बात हो गई इम्तिहान में क्या मज़े होंगे इम्तिहान तो इम्तिहान है दुनिया के इम्तिहान आप देख लें तीन घंटे का आपको टाइम दिया जाता है उसमें आप क्या मतलब यह है कि कोई आ, फिल्में देख लें या क्या कर लें या क्या कर लें उसमें तो बस पर्चा हल करना होता है पाबंद वक्त होता है आ, महदूद वक्त होता है उसमें आपने कुछ काम कर, कर दिखाना होता है अगर आपने इम्तहान न दिया इम्तहान के दिन इम्तहान में न गई शामिल न हुई पर्चा न दिया तो आप तो नुकसान में पड़ गए तो बहरहाल ये सारी बातें हैं और इसको थोड़ा सा आपने और मैंने सोचना होगा इम्तिहान के लिए तैयारी करें जो सवालत पूछे जा रहे हैं जो जवाब आपको सिखाए जा रहे हैं वो जवाब लिखना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दें अल्लाह ताला को मंजिल बना लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसव हसना को अपना उस यानी उसको एक नमूना बना लें और जिंदगी उनके तरीक़े के मुताबिक गुजारें मकामी तौर पर एक रहनुमा को रहनुमा ज़रूर मुंतखब कर लें एक शख्स को एक अल्लाह वाले को एक ज़िक्र वाले को अपना रहनुमा बना लें उसकी रहनुमाई में आप अल्लाह का रास्ता तय करें यकीनन इनशा आप कामयाब होंगे व आखिर दावाना अनहमदल रबालमीन मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए بسم الله الرحمن الرحيم ان هؤلاء يحبون العاجله براءهم ويزرون وراءهم ويزرون وراءهم يوما ثقيلا अब इन आयत का तर्जुमा सुना दें आजलता बेशक ये आजला से मोहब्बत रखते हैं वह वरूना और नज़रअंदाज कर देते हैं वरा अहम यौमन सकीला इनके आगे जो भारी दिन आने वाला है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं अब इन आयत की तलावत और तर्जुमा

इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त अख्तितम को पहुंचा इनशा अगले दर्स में मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिलहमदुल्ल रबीआलम वालामक वरह वबरक